हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे चैनल के नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर सागर। तो दोस्तों, आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं इसका फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन, उसका नक्शा पूरा डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहे और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो दोस्तों, यहाँ पे इस प्लॉट की चौड़ाई 16 फीट रहेगी, लंबाई उसकी 32 फीट रहने वाली है। G+2 का यहाँ पर हमने डिज़ाइन बनाया हुआ है। ग्राउंड फ्लोर पे आपको मोनार्की का डिज़ाइन देखने को मिलता है। फर्स्ट फ्लोर पे आपको 1 BHK और सेकंड फ्लोर पे 2 रेंटर के हिसाब से यहाँ पे हमने डिज़ाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे फ्रंट एलिवेशन कुछ इस तरह रहने वाला है। यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे आपको पार्किंग के लिए भी जगह मिल जाती है। चलिए गाइस, मैं अभी आपको उसका कलर कॉम्बिनेशन दिखा देता हूँ किस तरह हमने उनको दिया था। सो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिज़ाइन कुछ इस तरह नज़र आने वाला है फाइनल आउटपुट उसका। ठीक है, काफ़ी खूबसूरत नज़र आने वाला है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आपको इसका इमेज डाउनलोड करना है तो आप हमारे फेसबुक पेज पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं आपको नक्शा समझा देता हूँ कैसा रहने वाला है। लगभग 512 स्क्वायर फीट का रहेगा, मतलब 500 स्क्वायर फीट का आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। काफ़ी स्मॉल हाउस प्लान का डिज़ाइन रहने वाला है। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्थ फेसिंग प्लॉट में यहाँ पे हमने डिज़ाइन किया हुआ है, जो कि हमारे क्लाइंट है उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार। अभी ईच फ्लोर का अपन डिज़ाइन देखते हैं कैसे हमने डिज़ाइन किया हुआ है। तो गाइस, सामने की तरफ यहाँ पे 9 फीट वाइड का मेन गेट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे पार्किंग के लिए आपको जगह मिल जाती है। 9 फीट बाय 12 फीट 7 इंच की यहाँ पे आपको कार पार्किंग के लिए स्पेस मिल जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे आपकी स्टेप रहेगी, और यही से हमने सीढ़ियाँ डिज़ाइन की हुई। इस तरह हम घूम के ऊपर की मंजिल पर जा सकते हैं। एक फ्लाइट की चौड़ाई हमने 3 फीट रखी हुई है, और यहाँ से दोनों की मिलाएंगे तो 6 फीट आपको मिल जाती है। लंबाई उसकी 12 फीट 7 यहाँ से आप देख सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे मेन डोर का प्रोविजन दिया गया है घर के अंदर जाने के लिए। यहाँ पे काफ़ी बड़ा आपको ड्राइंग हॉल देखने को मिलता है। 15 फीट 4 इंच बाय 10 फीट का रहेगा। इसमें यहाँ पे हमने सीटिंग का पोर्शन डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पे आपका LED यूनिट का ऑप्शन रहेगा, और सामने की तरफ काफ़ी बड़ी विंडो हमने डिज़ाइन की हुई है वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए, क्योंकि इस प्लॉट के अदर 3 साइड अदर ओनर प्रॉपर्टी थी, तो वेंटिलेशन खुद के प्लॉट में एडजस्ट किया हुआ है। देन बैक साइड आपको किचन और टॉयलेट देखने को मिलता है। किचन की साइज 8 फीट बाय 8 फीट रहेगी। किचन का वर्किंग प्लेटफॉर्म यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे आपको 3 फीट बाय 4 फीट 2 इंच का वॉश एरिया देखने को मिलता है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको मिलती है स्पेस। यहाँ से आप इस टॉयलेट को यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपका कॉमन टॉयलेट रहने वाला है। टॉयलेट की साइज 8 फीट बाय 4 फीट रहेगी। यहाँ से उसको वेंटिलेशन मिल जाता है इस OTS से। ठीक है, उसके बाद अभी आप उसका फर्स्ट फ्लोर का नक्शा देखेंगे तो आप देख सकते हैं किस तरह हमने डिज़ाइन किया हुआ है। तो दोस्तों, जैसे अपन सीढ़ियों से ऊपर की मंजिल पे आते हैं तो इस लॉबी में पहुंच जाते हैं। 3 फीट 9 इंच वाइड की लॉबी रहेगी। ऊपर की मंजिल पे हमने 2 बेडरूम डिज़ाइन किए हुए, जिसमें से फर्स्ट नंबर का बेडरूम यहाँ से आप देख सकते हैं। उसकी साइज रहेगी 8 फीट 8 इंच बाय 12 फीट 3 इंच। सामने की तरफ यहाँ पे आपको बालकनी देखने को मिलती है, जो कि हमने 3 फीट 6 इंच वाइड की रखी हुई है, और यहाँ पर आपकी सीढ़ियों का प्रोविज़न रहने वाला है। यहाँ पे आपको 7 फीट बाय 11 फीट का ड्राइंग हॉल मिलता है। काफ़ी छोटा रहने वाला है, मतलब यहाँ पे 2-3 सीटिंग का अरेंजमेंट आप करवा सकते हैं। यहाँ पे आपका टेम्पल रहेगा, 3.5 फीट बाय 4 फीट का रहेगा। उसके बाद बैक साइड आपको 10 फीट 7 इंच बाय 10 फीट 7 इंच का बेडरूम देखने को मिलता है। वेंटिलेशन के लिए शॉप कंटिन्यू रखा हुआ है। यहाँ से आपके टॉयलेट को भी वेंटिलेशन मिल जाता है। ऊपर भी हमने एक टॉयलेट बनाया हुआ है 3 फीट 7 इंच बाय 8 फीट का, और यहाँ पे आप बेड देख सकते हैं। और उसके बाद अपन सेकंड मंजिल का देखेंगे तो यहाँ पे उसमें कुछ नॉमिनल चेंजेस आपको देखने को मिलता है। सामने की तरफ एक रूम रहेगा 9 फीट 1 इंच बाय 12 फीट 3 इंच का। इसको बालकनी सामने की तरफ एज इट इज़ मिल जाती है, जैसे कि फर्स्ट फ्लोर पर थी। लॉबी रहेगी, यहाँ पे एक कॉमन पैसेज मिल जाता है 3 फीट 7 इंच वाइड का। देन उसके बाद यहाँ पे एक आरके का डिज़ाइन किया हुआ है एक सिंगल फैमिली के लिए। हॉल रहेगा 10 फीट 7 इंच बाय 10 फीट का। किचन यहाँ पे 7 फीट 7 इंच बाय 10 फीट 7 इंच का रहेगा। किचन का वर्किंग प्लेटफॉर्म यहाँ पे रहेगा, और दोनों जो रूम बताई हुई है उसके कॉमन टॉयलेट यहाँ पे 3 फीट 7 इंच बाय 8 फीट का डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पे स्टूडेंट के लिए आप एक रूम दे सकते हैं, अगर किसी रेंटर रहना चाहते हैं तो उस हिसाब से, नहीं तो इसको भी एक बेडरूम यहाँ पे आप मर्ज करवा सकते हैं। मतलब 1 BHK का डिज़ाइन आपको ऊपर की मंजिल पर देखने को मिलने वाला है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हमने इस तरह डिज़ाइन किया हुआ है। और आपको 3D एलिवेशन नक्शा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।